चाइना में फिर से कोरोना के चलते हालात के कारण हाहाकार मच गया है। चाइना की आर्थिक राजधानी यानी कि शंघाई में ज्यादातर लोग कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं और इन्हीं सभी खबरों के चलते WHO के साथ साथ विश्व में सबकी चिंताएं बढ़ गई हैं। जहां अभी लॉकडाउन खुले हैं, लोगों ने घर से बाहर निकलना शुरू किया है। लोगों की जहां आम जिंदगी अभी वापस आई है, फिर से इस आम जिंदगी पर ताला लग सकता है। यही आपको बता दें, सोमवार को चाइना में 16,412 के करीब संक्रमित सामने आए। जब से यह महामारी शुरू हुई है, तब से यह पहली बार है कि इतने केस चाइना में देखे गए हैं। सबसे ज्यादा खराब हालत तो शंघाई की बताई जा रही है। यहाँ पूरी तरह से लॉकडाउन लगा दिया गया है और लोगों को बिना वजह घर से निकलने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी होने पर ही घर से बाहर निकला जा सकता है। सोमवार को शंघाई में कोरोना का पता लगाने के लिए मास टेस्टिंग भी की गई। यहाँ करीब 2 करोड़ से ज्यादा आबादी का टेस्ट किया गया है। शंघाई के स्वास्थ्य अधिकारी लोगों का न्यूक्लिकल एसिड टेस्ट कर रहे हैं। इस टेस्ट में गलत रिजल्ट आने की गुंजाइश ना के बराबर होते हैं, क्योंकि इससे अगर हल्का सा भी कोविड होता है तो उसका पता चल जाता है। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ऐसी ही ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट से वाकिफ रहने के लिए जुड़े रहिए punjabkesari.com के साथ।